स्टूडेंट इन द सन पब्लिक ऑनलाइन क्लासेस डॉट डियर स्टूडेंट, हमने हमारी क्लास फोर्थ का जो सेकंड चैप्टर था वो हमने इसको पूरा रीड कर लिया था। अब इसकी जो एक्टिविटी है वो हम देख रहे हैं। यहाँ आपको इसको बुक के अंदर ही फिलअप करना है। द फिशरमैन न्यू गोस्ट ऑफ द ड्राउंड लिव एट द बॉटम ऑफ द, जो फिशरमैन था वो जानता था कि भूत जो हैं जो डूब गए थे वो कहाँ रहते हैं, बॉटम ऑफ द रिवर। तो इसका जो सी ऑप्शन है उस पर हमें टिक करना है। सेकंड है द वाटर गोस्ट पुट द गोस्ट टेबलेट अपॉन जिजियांस। जो वाटर गोस्ट था उसने जो टेबलेट थी उसको जिजियान के कहाँ पर रखा था, इसका आंसर है टंग, उसकी जीप पर। तो हमें सी ऑप्शन को टिक करना है। येलो वैंग न्यू दैट द फिशरमैन वॉज नॉट डेड बिकॉज, येलो वैंग को जानता था कि फिशरमैन जो है मछुआरा जो है वो नहीं मरा, क्योंकि सी ऑप्शन का सी ऑप्शन सही है। ही हैड द बुक ऑफ द लिविंग एंड द डाइंग, उसके पास एक बुक थी जिसमें जीवित और मरे हुए प्राणियों के बारे में लिखा हुआ था। जिजियान एग्रीड टू रिटर्न द टेबलेट इफ द वाटर गोस, जिजियान सहमत हो गया था टेबलेट देने के लिए। कब, इफ द वाटर गोस्ट, वाटर गोस्ट क्या करेगा, जब इसका बी ऑप्शन सही है, मेट हिज नेट्स फुल, जब वो उसकी जो नेट है मछली पकड़ने की जो जाली है उसको फुल कर देगा तो वो उसको टेबलेट रिटर्न कर देगा। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ये आप बुक में देख कर लेंगे, फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर रही हूँ। जिजियान क्विकली लॉस्ट, क्या खो दी थी उसने फटाफट से, कॉन्शियसनेस। सेकंड है द गोस्ट एग्रीड इच टाइम, कौन सा गोस्ट, तो हम जानते हैं वाटर गोस्ट। ही लेफ्ट फॉर जिजियान टू अटेंड द सेरेमनी, उसने क्या लेफ्ट करा था, क्या छोड़ा था जिजियान के लिए, एक इन्वाइटेशन। द फिशर मैन ले डाउन, वह लेट गया था, क्यों, सोने के लिए, स्लीप। फोर्थ का जो ब्लैंक है उसमें आएगा स्लीप। प्लीज रिटर्न माई टेबलेट और आई एम डूम्ड, ये आप बुक के अंदर फिल कर लेंगे। अब है ट्रू फॉल्स। द वाटर गोस्ट वॉज अपॉइंटेड टू ए पोस्ट एट द चैंग हुआंग टेम्पल, क्या उसको अपॉइंट किया गया था चैन हुआंग मंदिर के अंदर एक पोस्ट के लिए, तो इसका आंसर है ट्रू। फॉर एवर आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद हमेशा, द फिशरमैन मिस्ड हिज वाइफ द गोस्ट ऑफ उबेंगो रिवर, फिशरमैन जो था अपनी वाइफ को मिस करता था, तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स, ये बात गलत है। द गोस्ट पुल्ड हिज बॉडी टू शोर एंड प्लेस द गोस्ट टेबलेट अपॉन हिज हैंड, गोस्ट जो था उस फिशरमैन की बॉडी को किनारे पर ले आया था और उसकी उसके हाथ में टेबलेट रखी थी, ये फॉल्स है क्योंकि उसने हाथ पे टेबलेट नहीं रखी थी, उसने उसकी जीप के ऊपर टेबलेट रखी थी। आफ्टर ए वाइल द वाटर गोस्ट बिगेन टू अपीयर टू टॉक टू जिजियान, इसके बाद जो वाटर गोस्ट था वो जिजियान से मिलने आता था, तो इसका जो आंसर है वो है ट्रू, वो हमेशा से मिलने आता था। क्वेश्चन आंसर है हु वॉज येलो वैंग, येलो वैंग कौन था, इसका आंसर है येलो वैंग वॉज एम्परर ऑफ डेड सोल, वह जो मरी हुई आत्मा थी उनका सम्राट था। वॉट सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट डिड द फिशरमैन नो, फिशरमैन क्या जानता था, द फिशरमैन न्यू गोस्ट ऑफ द ड्राउंड लिव्ड एट द बॉटम ऑफ द रिवर, फिशरमैन जानता था कि जो लोग जो डूब गया है उसकी जो भूत है वो नदी की जो तला है वहाँ पर वो रहता है। हाउ डिड दे बिकम फ्रेंड, वे एक दूसरे के मित्र कैसे बन गए, बोथ द वॉटर गोस्ट एंड द फिशरमैन हेल्प्ड ईच अदर सो दे बिकेम फ्रेंड, जो वाटर गोस्ट थे और फिशरमैन जो था दोनों ने एक दूसरे की मदद की थी इसलिए वो फ्रेंड बन गए थे। वॉट डिड द फिशरमैन आस्क फॉर इन रिटर्न द टेबलेट, फिशरमैन ने क्या मांगा था उससे टेबलेट रिटर्न करने के बदले में, टेबलेट देने के बदले में। इन रिटर्न द फिशरमैन आस्क्ड टू मेक श्योर हिज नेट्स आर ऑलवेज फुल, उसने कहा था कि उसकी जो नेट है वो हमेशा पूरी भरी रहे। एक्सप्लेन व्हाट यू थिंक माइट बी द मोरल ऑफ द स्टोरी, आप बता सकते हैं आपके अनुसार इस स्टोरी का मोरल क्या है। इफ़ वी हेल्प समवन इन ट्रबल, यदि हम किसी की मुसीबत में मदद करते हैं, द अदर पर्सन आल्सो हेल्प अस व्हेन द टाइम्स कम्स, तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो भी हमारी मदद करता है जब हमारे पर कोई मुसीबत आती है। फ्रॉम विच कंट्री इज दिस फोकटेल, ये जो फोकटेल है कथा है कहाँ से ली गई है, दिस फोकटेल फ्रॉम द कंट्री ऑफ चाइना, चीन से ली गई है।
अब हमें कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, हमने यहाँ वर्ड लिख लेंगे और आप इसको इसके अंदर मैच करते जाएंगे। टू सिंक इन वाटर, इसके लिए जो वर्ड आया है बुक में वो आया है ड्राउन, जिसे हमें यहाँ पर ढूंढना है और उसके बाद यहाँ पर फिलअप कर देना है। पुल अप, इसके लिए वन वर्ड जो आया है वो आया है हॉल, एच ए यू एल। सोप विद नॉइस, इसका वन वर्ड जो है वो है वीप। समवन हु इज ब्लेमलेस, जो अपराधी नहीं हो उसका आया है इनोसेंट। रिचुअल परफॉर्मेंस, उसका वन वर्ड है सेरेमनी। उसको हम यहाँ पर जो ये दिया हुआ है टेबल, इसके अंदर इन वर्ड्स को सर्च करेंगे, ये आपको खुद को करना है। वर्ड्स यहाँ पर आप देखकर यहाँ पर इसको फिलअप कर लेंगे। अगला पार्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव हम जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जो भी नाउन की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करते हैं क्वालिटी, गुण को, शेप, आकृति को, एज बताते हैं, मटेरियल सामग्री को ये बताते हैं। हमें यहाँ पर अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंस, हमें यहाँ पर अंडरलाइन करने हैं एडजेक्टिव्स के ऊपर। शी हैज अ ब्लिस्टर ऑन हर लेफ्ट हील, सबसे पहले हम यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन देखेंगे। यहाँ पर जो विशेषता बता रहा है, यहाँ पर जो नाउन आया है वो है हील। हील की विशेषता बता रहा है, कौन सी हील है, लेफ्ट। तो यहाँ पर जो लेफ्ट वर्ड है वो है हमारा एडजेक्टिव, इसके नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे। वी नीड टू बी श्योर दैट वी हैव द राइट डायरेक्शन, इसके अंदर भी हम नाउन या प्रोनाउन सर्च करेंगे जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। यहाँ पर डायरेक्शन हमारा नाउन है और इसकी विशेषता बताई जा रही है राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी है, राइट। तो यहाँ राइट के नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे। वन ऑफ जॉन्स फेवरेट बुक इन द गिविंग ट्री, यहाँ बुक हमारा नाउन है, नाउन की विशेषता बताई गई है, डिस्क्राइब किया गया है वो कैसी है, क्या है, फेवरेट। तो यहाँ फेवरेट हमारा वर्ड जो है वो है एडजेक्टिव। आई वॉज फाइनली एबल टू एफोर्ड ए न्यू हेड, हेड की विशेषता बताइए न्यू से, हेड नाउन है और न्यू हमारे इसका एडजेक्टिव है। अम्बा सेड दैट शी हैड ए बैड हेडेक, हेडेक नाउन है, इसकी विशेषता बताई गई है, इसको डिस्क्राइब किया गया है बैड से, तो यहाँ पर बैड एडजेक्टिव है। द घास वॉज डैम्प आफ्टर द लाइट रेन, रेन की विशेषता बताइए बारिश कैसी हुई थी, लाइट हल्की, तो हम यहाँ पर लाइट के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। आवर डार्क हाउस लुक्स लाइक ए केव, यहाँ पर हाउस जो नाउन है उसको डिस्क्राइब किया गया है डार्क से, तो यहाँ पर डार्क जो है वो एडजेक्टिव है। आगे की एक्टिविटी जो है वो आपको खुद को रीड एक बार करनी है और क्वेश्चन आंसर हमें HW कॉपी में करने हैं, उसके लिए आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। बाकी चीज़ों को आपको अपनी बुक के अंदर ही फिलअप करनी है। थैंक यू।